हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा और गाइस आज मैं बना रही हूँ गोंद के बहुत ही मज़ेदार लड्डू। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ मैं। घी को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 3 चम्मच गोंद। तो घी गर्म हो जाने के बाद हमें गोंद को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और गाइस ये लड्डू मैं स्पेशली बना रही हूँ, मेरे जो योगा गुरुजी हैं उनके घर से हमें इनविटेशन आया है, तो मुझे लगा कि उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ ले जानी चाहिए जो कि उनको पसंद आए, क्योंकि वो योग से जुड़े हुए हैं और आई एम श्योर ये गोंद के लड्डू उनको बहुत ही पसंद आएंगे। तो गोंद हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, कच्चा नहीं छूटना चाहिए वरना बाद में वो फिर दांतों में चिपक जाता है। तो मीडियम से सिम गैस पर हम इसे चलाते हुए बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं अलग से। और जो बाकी बचा हुआ गोंद है वो भी हम डाल के फ्राई कर लेंगे। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे, सारा एक साथ ना डालिएगा। तो इसको भी हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये गोंद भी हमारे फ्राई हो गए हैं और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 कप बादाम। तो उनको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। इस तरह से फ्राई करने, जो ड्राई फ्रूट्स हैं फ्राई करने पे बहुत अच्छा सा कुरकुरापन आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी फ्राई हो गए हैं और इसे भी हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। और 1/4 कप पिस्ता लिया है तो उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो पिस्ता भी फ्राई हो गए हैं और यहाँ पर मैंने थोड़े से मेलन सीड्स लिए हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं, और उसमें 1 छोटी चम्मच चिरौंजी भी मिला ली है। तो इनको भी हम फटाफट फ्राई करेंगे क्योंकि ये चटकने लग जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे पम्पकिन सीड्स लिए हैं मैंने 2 चम्मच, यानी जो कद्दू होता है उसके बीज। तो इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अलग से निकाल लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम हल्का दरदरा होने तक पीस लेंगे ग्राइंडर में। तो अभी एक अलग पैन में यहाँ पर मैंने जो छुआरे होते हैं सूखे छुआरे, 6-7 छुआरे लेकर उनका मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है और थोड़ा सा घी डाल के इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत अच्छी सी स्मेल जब आना शुरू हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। तो ये छुआरे भी भुन गए हैं और अब हम कढ़ाई में 3 चम्मच घी डालेंगे और उसके अंदर 2 चम्मच बेसन डालेंगे। और हमें इस बेसन को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और कलर स्लाइटली सा चेंज ना हो जाए। तो घी के अंदर बेसन को बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच दखनी मिर्च, यानी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च जिसे कहते हैं, आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है ये। तो इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे बेसन के साथ में। बेसन को एकदम चलाते हुए पकाना है क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो बेसन जल जाएगा। तो बेसन काफ़ी अच्छे से पक गया है, अब इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है गैस से और इसके अंदर अब हम सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर देंगे। जो काजू और पिस्ता थे उसका भी मैंने पाउडर बना लिया है और जो मेलन सीड्स थे उनका भी मैंने पाउडर बना लिया है, बहुत पाउडर नहीं लेकिन हर दरदरा सा इस तरह से पीस लिया है। तो वो सब मिक्सचर हम इसमें मिला देंगे अच्छे तरीके से।
कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मैं ये मिक्सचर मिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। और ये जो गोंद है उसको भी मैंने हाथ स्पून की हेल्प से पीस लिया है, थोड़ा हाथों से और थोड़ा स्पून से। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो ये सारा मिक्सचर जो है हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं एक चम्मच इलायची डाल रही हूँ, इलायची पाउडर। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इलायची पाउडर से। और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक कटोरी देसी खांड डाल दी है। तो मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, देसी खांड डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बस अब हम इसके लड्डू बना लेंगे इस तरह से। और बहुत इजीली इसके लड्डू बन जाएंगे। और ये मैं एक लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो इस तरीके से अब हम बाकी सभी लड्डू बना लेंगे। और बड़ी ही सिंपल रेसिपी है ये। आप इसमें सौंठ भी डाल सकते हैं, मेरे पास सौंठ नहीं थी, अदरवाइज़ मैं सौंठ भी इसमें डालती, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए सौंठ। तो ये लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और जब हम किसी के लिए इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं किसी को देने के लिए, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आई एम श्योर योगा गुरु जी को ये बहुत पसंद आएंगे लड्डू। बहुत आसान रेसिपी है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।